बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बैक स्ट्रीट किचन। आज हम आपके लिए बैक स्ट्रीट किचन से स्पेशल डिश, ट्रेडिशनल डिश यानी कि बकरे के पाई की रेसिपी लाए हैं। बैक स्ट्रीट किचन की स्पेशल रेसिपी से हम इसको तैयार करेंगे, जिसे बनाना बेहद आसान है। घर के सादे मसालों से इस डिश को तैयार करेंगे, जो कि बनने के बाद बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। लिहाजा वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मटन पाई की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रेशर कुकर में घी या ऑयल लेंगे आधा कप, और इसमें प्याज दो दरमियानी कटी हुई डालेंगे और हल्का सा फ्राई करेंगे। पाई को गलाने के लिए यहाँ पर हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप चाहें तो प्रेशर कुकर के बगैर भी पाई को गला सकते हैं। जब प्याज हल्का सा फ्राई हो जाएगा तो इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे एक टेबलस्पून, और मजीद 2-3 मिनट तक फ्राई करेंगे। अब इसमें साबुत मसाले डालेंगे, जिसमें दालचीनी 1 इंच का टुकड़ा, लौंग 3-4 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, नमक डालेंगे 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, सूखा धनिया पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून। ये सब मसाले डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद दही डालेंगे। दही अच्छा फेटा हुआ होना चाहिए। 1 कप के करीब हमारे पास दही है, जिसको अच्छा सा फेंट लिया है। अब हम इसके अंदर दही को शामिल करेंगे। दही डालने के बाद फिर अच्छे से मिक्स करेंगे और इतना पकाएंगे कि दही का पानी खुश्क हो जाए। अब आप यहाँ पर देखें, दही का पानी खुश्क हो गया है और घी हमारा सेपरेट हो गया है। अब इसमें हम बकरे के पाए अच्छे से साफ किए हुए और धुले हुए 8 अदद डालेंगे। पाए डालकर मसाले के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे। 2-3 मिनट तक इसको पकाएंगे, मिक्स करेंगे, ताकि मसाला सारे पाए के ऊपर लग जाए। अब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी तकरीबन 5 ग्लास डालेंगे और प्रेशर कुकर को बंद करके 40 मिनट तक पकाएंगे। याद रखें, वेट हिलने के 40 मिनट बाद प्रेशर कुकर को खोलेंगे। अब देखें, ये पाए बहुत अच्छे से गल गए हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि तकरीबन जो पानी हमने डाला था वो खुश्क हो गया है और पाए हमारे अच्छे से गल गए हैं। ये देखिए, हमारे पाए अच्छे से गल चुके हैं। अब इसको हम खुले बर्तन में शिफ्ट करेंगे, ताकि हमारे लिए हिलाना आसान हो। खुले बर्तन में शिफ्ट करने के बाद इतना पकाएंगे कि सारा पानी खुश्क हो जाए और ऑयल अलग हो जाए। अब इसमें मजीद 2 कप पानी डालेंगे और 10-15 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। तो बस हमारे पाए रेडी है। अपने हिसाब से जितनी आपने ग्रेवी रखनी है, उस हिसाब से इसको आप रख सकते हैं। फिर में गरम मसाला 1 टीस्पून और हरा धनिया डाल देंगे। तो लीजिए, मज़ेदार पाए तैयार हैं। आप इनको नाश्ते में पराठे या नान के साथ खाएं तो बहुत ही लजीज लगते हैं। आप भी हमारी रेसिपी से पायों को ज़रूर बनाइएगा और फिर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो भी टाइम से मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।